नमस्कार आप देख रहे हैं आई बी पी एस गुरु जी और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम जुलाई मंथ के इंपोर्टेंट टूर्नामेंट विनर्स के बारे में ये हमारी तकरीबन फिफ्थ लेक्चर है और मैंने आपके साथ ऑलरेडी चार लेक्चर बना चुका हूँ तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं चेक किए तो एक बार वो लेक्चर ज़रूर चेक कर लीजिएगा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में टूर्नामेंट विनर्स के बारे में और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फील्ड कौन सा है तो बैडमिंटन फील्ड का है हु क्लिंच हु लिफ्टेड द सुपर 500 हंड्रेड टाइटल फॉर हर करियर तो पी सिंधु ने ये सुपर 500 का टाइटल जीत लिया है नेक्स्ट है 2022 के मलेशियन ओपन टाइटल हो तो इसमें मैन सिंगल्स में विक्टर एलेक्सन ने जीता है और वुमेन सिंगल्स में रेचंग इटानॉन ने जीता है मेंस डबल्स का भी देख सकते हो वुमेन डबल्स का भी देख सकते हो मिक्स डबल्स का भी देख सकते हो अगला है बॉक्सिंग के कैटेगरी में बॉक्सिंग में टू इंडियन फीमेल बॉक्सर अल्फिया पठान एंड गीतिका हैव वॉन गोल्ड मेडल्स एट द इलोरडा कप हेल्ड इन नूर सुल्तान कजाकस्तान नेक्स्ट है चेस की फील्ड में गिजॉन चैस मास्टर्स 2022 का टाइटल डी गुकेश ने जीत लिया है गुकेश ने जीत लिया है नेक्स्ट है पारासीन ओपन ए चैस टूर्नामेंट 2022 जो सर्बिया में हो रहा था वो किसने जिताया? तो आर प्राणंगदा ने जीत लिया है नेक्स्ट है फोर्टी फर्स्ट विले दे बेनक्व्यू इंटरनेशनल चैस ओपन टाइटल अरविंद चिंदम्बरम ने जीत लिया है नेक्स्ट क्रिकेट की बारे में बात करें तो क्रिकेटर क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द जून मेंस कैटेगरी में जॉनी बैरस्टो को सिलेक्ट किया गया है वो इंग्लैंड से हैं और वुमेंस कैटेगरी में मरीजाने कैप को सिलेक्ट किया गया है वो साउथ अफ्रीका से हैं लागे का है हु डिफिटेड स्टूअर्ट ब्रॉड ऑफ़ फोर ट्वेंटी नाइन रन्स टू तो क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम रन ऑफ अ सिंगल ओवर इन टेस्ट क्रिकेट जसप्रीत बुमराह ने जो इंडियन गैम्प्टन भी थे उस मैच में नेक्स्ट है नेम थ्री कंट्रीज हु हैव रिसीव्ड द मेंबरशिप स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का अभी हाल ही में किसी किन तीन कंट्रीज़ को मेंबरशिप मिला तो वो है कंबोडिया उज्बेकिस्तान एंड कोर्ट डी आईवोरी नेक्स्ट है गुस्ताव मैक्योन हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेल प्लेयर टू स्कोर कंजीक्यूटिव इंटरनेशनल हंड्रेड इन टी वर्ल्ड कप टू बिलोंग्स टू विच कंट्री फ्रांस नेक्स्ट है ईन मॉर्गन इंग्लैंड हैज़ अनाउंस इज रिटायरमेंट तो इन्हों ये इंग्लैंड से है और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन स्टोक्स भी इंग्लैंड से हैं उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है वो भी ओ क्रिकेट से द वुमन क्रिकेटर जिनका नाम है करुणा uh, उन्होंने भी ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है तो ये थी क्रिकेट की न्यूज अब बात करते हैं कुछ अदर स्पोर्ट्स की जैसे साइकिलिंग हु हैज डिफिटेड टू टाइम्स डिफेंडिंग चैम्पियनतादेज पॉग गाकर ऑफ स्लोवानिया बाय थ्री मिनट्स एंड थर्टी फोर सेकेंड्स टू तो विन द फर्स्ट टू तो डी फ्रांस टाइटल द तो जोनास विंगेगार्ड डेनमार्क से रिलेट करते हैं इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है नेक्स्ट बात करें तो फॉर्मूला वन की बात करें तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सिनाज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेकरेक ने जीता है और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों मैक्स स्टेपन ने जीत लिया है जेवलिन में बात करें तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है डायमंड लीग मीट इन स्टॉकहोम में और सिल्वर मेडल ही हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्ल्ड चैम्पियनशिप इग्न औरगन में पिस्टोल की बात करें तो द इंडियन मैंस टीम अनीश बहनवाला एंड विजय वीर सिंधु एंड समीर क्लिंच सिल्वर मेडल इन विच कैटेगरी तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टोल में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है ये तीन लोगों ने जो आई डबल एस एफ वर्ल्ड कप चैंगन 2022 साउथ कोरिया में हो रहा है वो रनिंग की बात करें तो who गोल्ड इन gold मीटर स्प्रिंट एट द at the 2022 World वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक in इन Finland? फिनलैंड तो भगवानी देवी दंगर ने यह रनिंग में जीत लिया है शूटिंग की बात करें तो विच इंडियन शूटर हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टेन मीटर एयर राइफल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आई World Cup stage वर्ल्ड कप स्टेज एट चांगवान इन साउथ कोरिया तो अर्जुन बाबूदा। ज बैग द से गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टेन मीटर एयर राइफल मिक्स टीम एट द इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज इन साउथ कोरिया तो मेहुली घोष एंड साहू तुषार मा ने हुज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड मेडल इन द मैंट इवेंट एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई डबल एस एफ वर्ल्ड कप इन चंगवन तो मायराज अहमद खान ने फर्स्ट इवर इंडियन शूटर बन गया है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टेनिस की बात करें तो विंबलडन में 2022 का ये वन एडिशन था सरफेस ग्रास रहता है इसमें मैन सिंगल्स जीता है नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल जीता है एलेना रब रबकिन है और मेंस डबल्स का देख सकते हो वुमेन्स डबल्स का देख सकते हो मिक्स डबल्स का देख सकते हो सो so, इसी प्रकार से मैं पूरे महीने के जंबल करेंट अफेयर्स को एक अच्छे से कैटेगराइज फॉर्मेट में आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ उस करेंट अफेयर नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मिल जाता है जीडीपी रैंक इंडेक्स रिपोर्ट्स कैटेगराइज फॉर्मेट में मिल जाता है ऐप स्कीम योजना पोर्टल कैंपेन इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं वो अलग से मिल जाते हैं अलग से आपको जो जो एम हुए हैं पार्टनरशिप हुई है एग्रीमेंट हुए हैं है, वो पेज मिल जाता है प्लस अलग से आपको वन लाइनर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि आर की न्यूज़ अलग से मिलती है सेबी की अलग से मिलती है अदर रेगुलेटरीज बॉडी हो उसकी अलग से मिलती है फिर स्टेट वाइज न्यूज़ मिल जाती है कंट्री वाइज न्यूज़ मिल जाती है बैंक वाइज़ न्यूज़ मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन वाइज न्यूज़ मिल जाती है डिफेंस एंड साइंस की भी न्यूज़ मिल जाती है और फर्स्ट इन द न्यूज़ भी मिल जाती है आई

खरीद सकते हो लिंक बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज आई बी पी एस पर मुझे डीएम करना रहेगा मैं आपको डिस्काउंट के प्रोसीजर बता दूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में